इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर मिस्ट्री को लेकर अभिनेता शेखर सुमन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बताया जा रहा है उसके विपरीत कुछ और है। देयर इज मोर देन मीट्स द आई एंड ऑल द एविडेंसेस आर लीडिंग टुवर्ड्स समवेयर एल्स और टू समथिंग एल्स। और कहीं कहीं ये षड्यंत्र तो नहीं है, साजिश तो नहीं है, कहीं ये हत्या तो नहीं, या कुछ ऐसी कंस्पिरेसी तो नहीं थी कि जहां सुशांत को उन परिस्थितियों की वजह से ऐसे कगार पे लाया गया। ही वॉज ब्रॉट टू दैट ब्रिंक एंड दैट प्रेसिपिस कि जहां वो मजबूर हो गए आत्महत्या करने। वजहें बहुत सारी हो सकती हैं, कारण कई हो सकते हैं, और मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने ये मुहिम की शुरुआत की जस्टिस फॉर सुशांत फोरम, तो वहाँ अचानक रातों रात लाखों लोग जुड़ गए, करोड़ों लोग जुड़ गए उस फोरम में, और वो सब यही कह रहे थे कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। एक बात का बेहद अफसोस ये है कि ऐसे जब कोई सुइसाइड होते हैं, जो पहले भी इंडस्ट्री में हो चुके हैं, उसे बहुत सेंसेशनलाइज किया जाता है, उसको सनसनीखेज बनाया जाता है, और नेशनल जो टेलीविज़न है उसको एक दो दिन तो बहुत आप कह लीजिए कि ज़ोर शोर से दिखाती है, क्योंकि वहाँ उनके टीआरपी का सवाल होता है। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ बहुत वो संवेदनहीनता दिखाते हैं, और उस वजह से जहाँ तक उनको लगता है कि ये चल रहा है और हमें एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं, इसको दिखाना चाहिए, और बाद में जब इसकी कोई ज़रूरत नहीं उसको दरकिनार कर देते हैं, और लोग चाहे कोई भी सवाल उठा रहे हो उस तरफ ध्यान नहीं देते। ऐसा क्यों होता है कि वो आक्रोश जो सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहा है वो नेशनल टेलीविज़न पे क्यों नहीं? क्या उस मीडिया को कोई कंट्रोल कर रहा है? क्या उसको कंट्रोल करने वाला वही दिखाना चाहता है जो वो चाहता है, या जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में हुआ वहाँ कोई तालमेल है वगैरह? बहुत सारे अनगिनत सवाल हैं, अनसुलझे सवाल हैं, जिनका उत्तर जनता को चाहिए। सुशांत मेरा भाई नहीं था, सुशांत मेरे परिवार का नहीं था, मेरा दोस्त नहीं था, तो लोगों ने के मन में ये सवाल उठना चाहिए, और मेरे मन में भी ये सवाल उठा कि फिर मैं क्यों इतना उद्वेलित हुआ, मैं क्यों इतना जज्बाती हुआ। तो मैंने जब इर्द गिर्द देखा तो बहुत सारे लोग जो हैं जज्बाती, और मेरे पास बहुत सारी वजह हैं जज्बाती होने की। एक तो ये कि वो बिहार का नवयुवक था, बिहार के कोक से पैदा, बिहार की मिट्टी से पैदा हुआ, हम वतन हैं, हम एक ही मिट्टी से पैदा हुए, ऐसा लगता है एक ही माँ के बेटे हैं, भले ये खून का रिश्ता नहीं है। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगा कि सबसे बड़ी त्रासदी उनके पिता के साथ हुई। सुशांत अपनी माँ को 16 साल की उम्र में खो चुका था, और पिता के साथ ये अचानक ये खबर आना कि उनका बेटा नहीं रहा, उन्होंने सुसाइड कर लिया, आप समझ सकते हैं कि बेटे को खोने का गम कितना हो, वो कितनी बड़ी त्रासदी, कितनी बड़ी ट्रेजिडी रही होगी। और उस ट्रेजिडी को मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपने छोटे बच्चे को खोया था 11 साल की उम्र में एक हार्ट प्रॉब्लम से। तो आप मैं पूरी तरह से उनके दुख में शामिल हो गया। बिहार का नाम रोशन करने वाला एक नौजवान, जिसने सफलता की तमाम सीढ़ियां चढ़ी, जिसने एक बड़ा सक्सेसफुल ट्रांजिशन किया टेलीविजन से, जो कि बहुत डिफिकल्ट माना जाता है, एक वंस अ टेलीविजन एक्टर ऑलवेज अ टेलीविजन एक्टर, पहले शाहरुख खान थे, और ये दूसरा कोई 30 साल के बाद एक लड़का पैदा हुआ जो बिहार का था। इस बात की हम सबको बहुत फख्र है, बात पे गर्व है कि ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बिहार, स्पेशली द यूथ, और अपनी पहली ही फिल्म को 100 करोड़ क्लब में लाया, लेकिन उसको कभी किसी चीज़ का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, ना रिवॉर्ड मिला, ना अवार्ड मिला, ना रिकग्निशन मिली। और ऐसा बताया गया कि धीरे धीरे उसका असर उस पर ये हो रहा था कि इतना करने के बावजूद ऐसा क्यों लग रहा है कि चीज़ें जो है मेरे अनुकूल नहीं। और फिर नेपोटिज्म की बात चली, और मैं बार बार इस बात को दोहरा चुका हूँ,
और फिर से एक बार कह रहा हूं और बहुत साफ साफ कह रहा हूं, और आप लोग इसको बिल्कुल उसी तरह से दिखाइएगा जैसा मैं कह रहा हूं, नेपोटिज्म में कोई बुराई नहीं है। हमारी इंडस्ट्री एक खुली इंडस्ट्री है, फ्री एंटरप्रेन्योरशिप है, जहां जो पैसे लेके आता है उसका हक है वो अपने भाई या बेटे के साथ बनाए, वो इंसान के साथ बनाए, वो हाथी के साथ बनाए, वो कुत्ते के साथ बनाए, ये उसका हक है, उसमें कोई नेपोटिज्म वाली बात नहीं है। नेपोटिज्म सरकारी महकमों में होता है, जब जहां किसी का पद छीन के या किसी को सुपरसीड करके अब लोग जो है सिफारिश से या पैरवी करके अपने भाई भतीजे को बैठाते हैं, वो भाई भतीजावाद को नेपोटिज्म कहते हैं। जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में है वो नेपोटिज्म नहीं है, वो गैंगिज्म है, एक कार्टेल है, कॉकस है, कोटरी है, क्लीक है, एक क्लैन है, एक सिंडिकेट है, एक माफिया है, जो चीज़ों को कंट्रोल करता है, वही डिसाइड करता है कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन रहेगा, कौन ख़त्म हो जाएगा। ये इस तरह से खतरनाक है, ये अंडरवर्ल्ड का गैंग नहीं, ये वेस्टेड इंटरेस्ट का गैंग है जो पूरी इंडस्ट्री को कंट्रोल में अपने कब्जे में रखना चाहता है, ताकि वो अपना उल्लू सीधा कर सके, अपने प्रोडक्शन हाउस को आगे बढ़ा सके, पैसा कमा सके, शोहरत कमा सके। ये टैलेंट को दबोच के उनको कॉन्ट्रैक्ट में बांध के रखता है। बाहर से जो टैलेंट आते हैं पहले तो उनको उनके उनको तवज्जो नहीं दी जाती, और जब वो बढ़ जाते हैं तो इन लोगों को खतरा होता है कि वो उस स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा जो हमारा है, तो या तो उसको मिटा दिया जाता है उसी वक्त, या उस क्लिक में शामिल कर लिया जाता है। अगर वो शामिल हो गया, अगर वो चाटुकार बन गया, अगर वो चापलूस बन गया, अगर वो आपके तलवे चाटेगा, अगर यस मैन बनेगा, जी हुजूरी करेगा, हाँ हाँ करेगा, तो आपको उनके टुकड़ों पे पलना पड़ेगा। जिस दिन आपने डिफाइंट एक एटीट्यूड दिखाया या बगावत की या ना कहने की जुर्रत की, उस दिन वो हश्र उसका वो होगा जो सुशांत के साथ हुआ। आखिरी दिनों में उसकी सारी फिल्में उससे छीन ली गई। और जो तथ्य सामने आए वो ये था कि एक डुप्लीकेट चाबी थी। ये कितनी इसमें सच्चाई हकीकत क्या है ये नहीं मालूम, लेकिन ये सब पब्लिक डोमेन में बातें आ रही हैं, और ये हमारा फ़र्ज हो जाता है इंसानियत के नाते, और मेरा तो खास तौर पे इंसानियत के नाते, एक फिल्म फ्रेटर्निटी में एक दोस्त गया उसके नाते, एक बिहारी होने के नाते, कि ये पता करें कि इनमें कितनी सच्चाई है, और सच्चाई के लिए जाँच जो है वो आवश्यक है। उसी के तहत मैं CBI इंक्वायरी की मांग कर रहा हूं, जिस पे अभी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक डुप्लीकेट चाबी जो थी वो मिसिंग है, और मेरा सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुशांत जिस किस्म का लड़का था, और जितना जीवट और जितना कर्मठ था और जितना होशियार था और जितना वो जिम्मेदार था, अगर वो इस तरह आत्महत्या करता तो एक सुइसाइड नोट जरूर छोड़ के जाता, कोई भी करता है। किस लिए करता है वो? इसलिए क्योंकि जाने वाला ये सोच के जाता है कि मेरे जाने के बाद मेरे जो चाहने वाले हैं या जिनको मैं चाहता हूँ, जो मेरे निकटतम लोग हैं, वो शक के दायरे में ना जाए, ना फंस जाए। तो ही लीव्स अ सुइसाइड नोट व्हेन ही कैटेगोरिकली स्टेट्स दैट आई एम डूइंग दिस आउट ऑफ माई ओन विल एंड वॉलिशन, मैं अपनी मर्जी से अपनी परेशानियों की वजह से ये कर रहा हूँ, और इसके लिए किसी को दोषी न ठहराया जाए। देयर वाज नो सुइसाइड नोट। अगर सुइसाइड नोट होता तो ये ओपन और शट केस हो जाता, उसी वक्त केस खत्म हो जाता, हम लोग सब बिलीव भी कर जाते। इन द एब्सेंस ऑफ अ सुइसाइड नोट देयर आर मेनी क्वेश्चंस दैट प्रॉपर, और वो ये कि जो लड़का रात को पार्टी कर रहा था, जो सुबह उठ के प्ले स्टेशन पे था, जो एक ग्लास जूस मांगता है, आके बैठता है, उसके मन में अचानक ऐसी क्या बात कौंधी, उसने कहा चलो अब उठते हैं सुसाइड करते हैं। ये बात हजम नहीं हो रही लोग। CCTV कैमरा से छेड़छाड़, उसने कई सिम कार्ड्स पिछले महीनों में करीब 50 सिम कार्ड चेंज किए। क्या वजह थी? सिम कार्ड आदमी क्यों चेंज करता है? सिम कार्ड आदमी तब चेंज करता है जब वो किसी को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हो, किसी से बचने की कोशिश कर रहा हो, जब कोई थ्रेट हो, जब कोई खौफ हो, तो वो सिम कार्ड चेंज किया जाए। फिर जो ऊंचाई बताई जा रही है वो इतनी कम है, क्योंकि बंबई में जो छत है इससे ऊपर नहीं होती, वहाँ उसके ऊपर बिस्तर पे चढ़ के फिर उनके अपने उनका कद जो 6 फीट का था, तो जगह ही नहीं बच जाती है कि आप लटकें। फिर पहले इस कपड़े से, फिर बाथरोब से, फिर कुर्ते से लटका, वगैरह वगैरह ये बात निकल रही। और जो एक बहुत अहम तथ्य जो निकल के आया है प्राइम एफ एसी, वो ये है कि गले में जो लाल निशान है
अगर वो कुर्ते से किया गया तो वो मोटा होना चाहिए, वो एक रस्सी का निशान लगता है, और अमूमन बल्कि हर बार जबकि कोई खुदकुशी करता है तो उसमें वी का निशान होना चाहिए क्योंकि रस्सी ऊपर की तरफ जाता है। देखिए, मैं कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट नहीं हूं, ना मैं सीबीआई के बिहाफ पे बोल रहा हूं, मैं वही बोल रहा हूं जो सवाल सबके दिमाग में आज है। तो वो निशान बिल्कुल सिमेट्रिकल गोल चारों तरफ से बराबर का एक निशान बना, जबकि उसको ऊपर की तरफ से होना चाहिए। दूसरी बात, आदमी जब खुदकुशी करता है तो उसका चेहरा जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, विकृत हो जाता है, क्योंकि यू डाई ऑफ एस्फिक्सिया, एस्फिक्सिएशन से जब आप मरते हैं, चोक करके मरते हैं, आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी, आपकी जीभ बाहर आ जाएगी, दे विल बी फ्रॉथिंग बाय एट द माउथ, सलाइवा निकलेगा, आपकी गर्दन टूटेगी, जहां से कपड़ा लगाया गया है वहां रॉड पंखे का जो ब्लेड्स है उसमें वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं लगा, और भी बहुत सारी बातें निकल के आई हैं, क्या इसमें एक फिनेंशियल एंगल था, एक प्रोफेशनल राइवलरी थी, या कोई इमोशनल टर्बुलेंस था। लोगों का कहना है वो बाइपोलर था, यानी कि दो शख्सियत एक शख्सियत के अंदर जब आ जाती है, जिसको स्किज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं, जहां हर चीज द्विपक्षीय हो जाता है, जहां आदमी को समझ में नहीं आता वो क्या कह रहा है क्या कर रहा है, उसको क्लिनिकल डिप्रेशन का भी नाम दिया जाता है, मैनिक डिप्रेशन का भी नाम दिया जाता है। इस सब के तहत ये क्या हुआ अचानक, और अगर उसने प्रोफेशनल राइवलरी की वजह से ही हुई तो वो लोग कौन थे जिनकी वजह से, दैट इज कॉल्ड अबेटमेंट टू सुसाइड, अगर आपने आत्महत्या भी नहीं किया लेकिन उनके पीछे वो कौन लोग थे जिन्होंने ऐसी परिस्थितियां पैदा की जिसकी वजह से वो मजबूर हो गया अपने जाने में। यही सारे सवालों को लेके मैंने ये मुहिम की शुरुआत की जिसमें लोग जुड़ गए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई ऐसा आश्वासन नहीं आया है कि सीबीआई की जांच होगी, और उसी के तहत मुझे लगा ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं पटना आऊं। मुझे बहुत लोगों ने मना किया कि आप एक अनजान किसी एक्टर के लिए क्यों आ रहे हैं, हमने कहा हमने बार बार इस बात को एम्फसाइज किया, अंडरलाइन किया है कि हमारे इंडस्ट्री एक परिवार है, ये उनके साथ हुआ, हमारे साथ भी हो सकता था, किसी के साथ भी हो सकता था, आवाज़ उठानी ज़रूरी है। लेकिन हैरत की बात है कि ना इंडस्ट्री से आवाज़ उठ रही है, ना नेशनल न्यूज़ पे या आवाज़ उठ रही है, सिर्फ सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि इसकी जवाबदेही होनी चाहिए, और उसी के तहत मैं यहाँ आया, उनके पिताजी से कल मिला। मेरी इच्छा थी कि मैं उनके इस गम में शामिल हूँ और बताऊँ कि हम सब आपके साथ हैं इस गम में, और हम सबको इस त्रासदी का बहुत दुख है, और ये दोबारा न हो। मुहिम चलाने के पीछे ये भी एक ख्याल है कि आगे कभी कोई सुशांत की तरह उसको अपनी ज़िंदगी देने की ज़रूरत न पड़े। एक सेकेंड, अभी मैं ख़त्म हूँ, और उस वजह से फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ के मुख्यमंत्री से भी मिलना चाहिए, तो मैंने नीतीश जी से मेरी पहली मुलाकात हो चुकी है, मैंने उनको खबर भी भिजवाई उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी चंचल जी के हवाले से, लेकिन मुझे यही बताया गया कि वो कोविड की वजह से नहीं मिल सकते, कोविड की वजह से वो नहीं मिल सकते, लेकिन तेजस्वी जी मिल सकते हैं, क्योंकि इनको कोविड का डर नहीं है, डर नीतीश जी को और मुझे भी नहीं, हम लोगों को अपनी शायद जान का खौफ नहीं। बहरहाल, मैं इनका बहुत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और ये कम्प्लीटली एक नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, ये आप ध्यान में रखें कि इनको जब मैंने मैसेज भेजा और यहाँ आने के बाद मेरी ये इच्छा थी कि मैं सिर्फ मुख्यमंत्री जी से मिलूँ, और वो एक चूँकि हेड ऑफ स्टेट हैं, और अगर वो भी जोर देंगे, हम सबका साथ देंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे कल कुछ प्रेस वालों ने पूछा कि आपका क्या कहना है कि वो नहीं आए, मैंने कहा टू ही चीज़ों, जिनकी मर्जी है वो आए, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, उनको आना चाहिए था कि वो बिहार का सुपुत्र था, बिहार का नौजवान था, उनके परिवार को अच्छा लगता। मुझे बाद में किसी ने बताया कि तेजस्वी जी वहाँ गए थे, उनके पिता से मुलाकात की, वहाँ वक्त गुजारा, तो मैंने इनसे दरख्वास्त की और मुझे इन्होंने तुरंत कहा कि आप आ जाइए, और जो भी मैं मदद कर सकता हूं मैं करूंगा। तो मैं इनका बहुत बहुत आपका आभारी हूं, बहुत शुक्रिया। जस्टिस फॉर सुशांत फोरम की शुरुआत शेखर सुमन कर चुके हैं, और अब लगातार सीबीआई जांच की मांग वो कर रहे हैं, बहुत सारे पहलुओं पर बात कर रहे हैं, और इसी बात को लेकर पटना से
वो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के आगे भी खबरें।